गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोनिया करनाल, यूपीएस मुकाम से। क्लास 7th का साइंस का जो हम लेसन पढ़ रहे थे, फाइबर टू फैब्रिक, तो इसमें मैंने कंप्लीट किया है लेसन आपका ये। तो इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका चैप्टर जो है इसकी रिवीजन करेंगे। तो मैं इस चैप्टर की आपको रिवीजन कराऊंगी, मतलब इस चैप्टर में आपको दोबारा से आज समझाऊंगी। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। धागे, धागा, जिस तरह से धागा होता है उसे हम कहेंगे फैब्रिक। देखिए, हम कोई भी कपड़ा बनाते हैं, चाहे वो वूल का हो, चाहे कॉटन का हो, चाहे सिल्क का हो, तो उस कपड़े को बनाने के लिए हमें थ्रेड ज़रूरत होता है, हमें धागा ज़रूरत होता है। ठीक है, तो जो धागा आता कहाँ से है, तो जो वूल है और या थ्रेड है वो हमें कहाँ से मिलता है, या सिल्क है कहाँ से मिलता है, वो हमें एनिमल फाइबर है, वो जानवरों से मिलता है। शीप है, गोट है, याक है, तो जो उनकी हेयर होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। तो उनके बाल से क्या निकलते हैं, फाइबर। जो उनके हेयर होते हैं वो फाइबर है, उस फाइबर से हम लोग फिर फैब्रिक मीन्स क्लोथ, कपड़ा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, फाइबर हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि थिन हो, पतला होता है और वो लंबा होता है, और उसको हम अपनी मर्जी से हम मोड़ सकते हैं, वो होता है फाइबर। और फैब्रिक हो गया समथिंग इज मेड फ्रॉम, जो उससे बनता है। फाइबर से क्या बनता है फिर, फैब्रिक मीन्स क्लोथिंग, कपड़ा। तो किस तरह हम बनाते हैं, तो हमने से पढ़ा था कि मिल्क मी बिसाइड्स मिल्क मीट एग्स सम फाइबर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जिस तरह से मिल्क मिलता है हमें, मीट मिलता है, एग मिलते हैं, उसी तरह से हमें फाइबर भी हमें कहाँ से मिलता है, ये एनिमल्स से मिलता है। एनिमल्स मीन्स थ्रेड, धागा हमें कहाँ से मिलता है, ये एनिमल्स मिलता है। और जो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और याक, और हमें ऊन कहाँ से मिलती है, फ्लीस मीन्स हेयर, जो शीप और याक के जो बाल होते हैं उससे हमें क्या मिलती है, वूल, ऊन मिलती है। और सिल्क फाइबर हमें कहाँ मिलता है, कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ होता है जो फीमेल होती है ना, फीमेल सिल्क होती है, वो जो अंडे देती है। ठीक है, उन अंडे में से जो निकलता है कैटरपिलर या बच्चा निकलता है, उसे हम कहेंगे मॉथ। तो जो वो उस अंडे से जो सिल्क का जो मॉथ होता है, उसे हम बनाते हैं सिल्क का कपड़ा। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप बॉडी यील्ड्स फाइबर, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि शीप के कौन से बॉडी का पार्ट जो होता है उससे हमें फाइबर मिलता है और कैसे बनता है। फिर हमने पढ़ा था इसमें वूल, वूल किस तरह, पहले हम पढ़ेंगे वूल के बारे में, वूल किस तरह से मिलती है। वूल कम्स फ्रॉम शीप गोट याक एंड सम अदर एनिमल्स। जो वूल जो है हमें कहाँ से मिलती है, शीप से मिलती है, गोट से मिलती है, याक से मिलती है, और दूसरे जानवरों से मिलती है। उनसे हमें क्या करते हैं, हम दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी, उनकी बॉडी पे बाल होते हैं, फिर उनकी बॉडी से ही जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो उसको ऐसे खींच के बाल नहीं निकाला जाता, उनकी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, उन मशीनों से उनके जो शीप के बाल जो है उनको काटा जाता है। उन बालों को काटने के बाद उनको सॉर्टिंग की जाती है, अलग किया जाता है, और जो खास तरह के से ऊन के लिए खास तरह के जानवरों को चुना जाता है, जिसे कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, हर किसी के शीप के बाल जो होते हैं वो मुलायम नहीं होते हैं, तो अच्छी ऊन के लिए, सॉफ्ट ऊन के लिए, तो उन्होंने खास तरह के जानवरों को पाला जाता है, जिसे कहा जाता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहा जाता है उन्हें। तो फिर क्या कहा जाता है, एनिमल्स दैट यील्ड वूड, वूल कौन से एनिमल है जिन जिनसे फिर ऊन ली जाती है। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, तो हमारे कंट्री में अलग तरह की शीप्स पाई जाती हैं, और उन तरह तरह अलग अलग शीप से अलग अलग तरह की वूल जो है उनसे ली जाती है। जैसे वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख, जो तिब्बत और लद्दाख की जो ऊन है वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही कॉमन है। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स, जो अंगोरा तरह क्वालिटी की जो ऊन होती है वो हमें अंगोरा गोट से मिलती है। और कहाँ से ये अंगोरा गोट्स कहाँ होती हैं, ये ऊंची पहाड़ियों पे होती हैं, जम्मू और कश्मीर में। देखिए, ये याक है, इससे भी हमें ऊन मिलती है, ये अंगोरा गोट हो गई, इससे हमें अंगोरा वूल मिलती है, ये सिंपल गोट हो गई, कैमल है, ये लाइमा है, और ये अल्पाका, इन सबसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है हमें इससे। फिर हमने पढ़ा इसमें कि फाइबर से वूल किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, फाइबर हो गया थ्रेड, थ्रेड से फिर ऊन कैसे बनाई जाती है। ठीक है, हम अगर धागा लेंगे, धागे को हम जरा थोड़ा सा स्पिन करते हैं, थोड़ा गीला करके धागे को हम स्पिन करते हैं, उसमें से हमें कॉटन जैसा निकलता है। ठीक है, उसे हम कहेंगे फाइबर, तो उससे हमें बनता है थ्रेड, थ्रेड से फिर क्या बनाते हैं, वूल।
तो फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर्ड, ठीक है, वूल बनाने के लिए शीप्स को पाला जाता है, पहले भेड़ों को पाला जाता है, उनके बाल काटे जाते हैं, एंड लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। उनके बालों को काट के फिर उससे वूल बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है, इनकी एक प्रोसेस है, ठीक है, ये स्टेप वाइज चलता है। तो स्टेप वाइज कैसे होते हैं, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, किस तरह से थ्रेड से फिर वूल बनाई जाती है, ऊन बनाई जाती है, ये पूरी एक स्टेप वाइज है। तो ये स्टेप कैसे हैं, द वूल विच इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। तो किस तरह से हम लोग वून से फिर निटिंग स्वेटर बनाते हैं और फिर शॉल वगैरह बनाते हैं, तो इन सब का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो कैसे होता है ये, स्टेप वन में जैसे हर एक चीज़ का स्टेप होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए मदर आपकी जो खाना बनाती है उससे पहले वो क्या करती हैं, पहले सब्जी को क्लीन करती काटती हैं, फिर साफ करती हैं, धोती हैं, धोने के बाद फिर उसको बनाती हैं। तो वैसे ही जैसे उसी तरह से जो वूल है उसको उसको भी तैयार करने का एक तरीका है। एकदम से शीप के ऊपर से बाल काट के ही स्वेटर बनाना शुरू नहीं कर देते हैं, उनके भी एक स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करते हैं, द फ्लीस, फ्लीस मीन्स हेयर, शीप के जो हेयर होते हैं, द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम शीयरिंग। जो आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह में, या सीधे देख सामने देखा होगा आपने कि शीप के ऊपर से उसके बालों को काट दिया जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। उसे जो शीप के ऊपर से बाल उतारना उसे कहते हैं शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। तो बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है, या तो जिस तरह से वो शेव किए करते हैं ना जेंट्स लोग अपनी, उस मशीन से बाल उतार दिए जाते हैं शीप के, फिर उनके उसको बोलते हैं शेयरिंग। फिर उनके बालों को उतार उतार के देयर इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर, द हेयर प्रोवाइड वूल एंड फाइबर्स। जो उसके बाल होते हैं वही हमें फिर वूल देते हैं, उससे हमें वूल मिलती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप में उसके बाल उतारे जाते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस। आप पता है शीप जो होती हैं, गोट होती हैं, वो कहाँ कहाँ बैठती हैं, डस्ट पे बैठती हैं, वो थोड़ी देखती हैं कि हम साफ जगह बैठे हैं। तो वो ग्रीस मीन्स जहाँ पे गंदगी होती है, तेल गिरा होता है, वहाँ पे जाके बैठ जाती हैं, कचरा पड़ा होता है, कीचड़ में जाके बैठ जाती हैं शीप। तो जब उनकी बालों को उतारा जाता है, वूल उनकी फाइबर उनकी शीप की स्किन जब निकाली जाती है, सॉरी शीप के जो बाल निकाले जाते हैं उसको फिक्र किया जाता है, उनको धोया जाता है वॉश टैंक में, धोया बड़े बड़े टैंक्स होते हैं पानी में, उनको धोया जाता है ताकि उनके ऊपर से ग्रीस निकल जाए, डस्ट निकल जाए और कूड़ा निकल, जो भी गंदगी वगैरह लगी हो वो उनसे निकल जाए, उसे कहते हैं स्काउरिंग। देखिए, उनको बाल उतारना उसे कहते हैं शेयरिंग, फिर उनके जो हेयर होते हैं शीप को उसको धोते हैं उनको बोलते हैं स्काउरिंग। आज के टाइम में उसको ये मशीनों से किया जाता है। देखिए, ये स्काउरिंग हो रही है, ये हो रही है शेयरिंग मीन्स बाल निकालना, और स्काउरिंग मीन्स उनके बालों को धोना बड़े बड़े टैंक्स में। और थर्ड स्टेप में क्या जाता है, फिर आफ्टर स्क्योरिंग, धोने के बाद सॉर्टिंग मीन्स अलग अलग की जाती है। बहुत सारी शीप्स होती हैं, कईयों के बाल मुलायम होते हैं, कईयों के हार्ड होते हैं, कईयों के सॉफ्ट होते हैं, कईयों के अलग कलर के होते हैं, तो उनके बालों को फिर सॉर्टिंग की जाती है, मीन्स अलग अलग किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड फॉर सॉर्टेड। तो अलग अलग बालों को फिर बड़ी बड़ी कंपनीज में, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, उनके बालों को फिर अलग अलग किया जाता है। फर्स्ट में शेयरिंग की जाती है, बाल काटे जाते हैं, सेकंड में उनको स्कोरिंग की जाती है, धोया जाता है, थर्ड में उनको सॉर्टिंग की जाती है, अलग अलग किया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है उनको, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड अप आउट फ्रॉम द हेयर बर्स। बर मीन, देखिए, आपने विंटर में स्वेटर वगैरह लगाई होती है, वुलन कपड़े लगाते हो आप, तो उनमें क्या होता है, उन कपड़ों में भी बबलिंग्स आ जाती हैं, बबल्स आ जाते हैं ना कपड़ों के ऊपर, मीन्स भूर भूर आ जाता है कपड़ों के ऊपर, तो उस वूल के ऊपर भी बबलिंग होती है। तो फिर उस बबलिंग को हटाया जाता है, उन भूर को हटाया जाता है, विच समटाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर्स, आपके स्वेटर्स के ऊपर ही आते हैं, वूलन के कपड़े पहन जाते हैं, गर्म सूट आता है, गर्म कपड़ा, कभी आपके फेरन पे भी आ जाते हैं कि वो बबल्स पड़ जाते हैं, बबलिंग आ जाती है, कपड़ों के भूर आ जाता है, तो उस मशीनों से उनके ऊपर से वो बबलिंग जो है वो हटा दी जाती है।
दीज फाइबर्स आर स्कॉरिंग अगेन एंड ड्राइंग। फिर क्या करता है उसको, जब उनके कपड़ों के ऊपर से वो वूल हटा, बबलिंग हटा दी जाती है, फिर उसको दोबारा से धोया जाता है और सुखाया जाता है। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स। फिर उस वूल को धागा में बना, जो हम वूल उतारते हैं ना गोट के ऊपर से, तो फिर दोबारा से धोने के बाद उसको धागा बनाने में के लिए तैयार किया जाता है। फोर फिफ्थ स्टेप में क्या किया जाता है, फिर जो जो थ्रेड होता है उसको डाई किया जाता है, डाई मीन्स कलर किया जाता है अलग अलग उनको। देन फिर सिक्स स्टेप में उसको फाइबर्स आर स्ट्रेन्ड कॉम्ब्ड एंड रोल इन टू यार्न। फिर जो थ्रेड को कलर किया जाता है उसको उसको उनको कॉम्ब में कंघी की जाती है, उनको स्ट्रेट सीधा धागा बनाया जाता है, फिर उसको यार्न में गोला बना दिया जाता है। देखिए मशीन से उसको स्कॉरिंग की सीधा किया जाता है, देन वो रोलिंग इन टू यार्न गड्ढे बनाए जाते हैं फिर बड़े बड़े धागे के। देन द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर्स एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इन टू क्लोज। जो बड़े बड़े थ्रेड होते हैं उनसे तो कपड़े बनाए, वूलन के कपड़े बनाए जाते हैं, और जो छोटे धागे होते हैं उनसे वूलन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और जो बड़े थ्रेड होते हैं उनसे स्वेटर्स वगैरह बना दी जाती हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं फाइबर्स टू फैब्रिक वूल से। पहले शीप के हेयर उतारे फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड में उसको स्कॉरिंग किया धोया, थर्ड में उसको फिर सॉर्टिंग की अलग अलग कर जाते हैं, और फोर्थ स्टेप में उसको फिर दोबारा से उसमें जो बबल्स वगैरह होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। फिफ्थ स्टेप में उसको फिर डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, और सिक्स स्टेप में उसको फिर स्वेटर वगैरह बनाई जाती है उससे, या गर्म कपड़े बनते हैं उससे। नाउ ये तो थी हमारी वूल की कहानी कि वूल किस तरह बनती है। फिर हमारा आता है सिल्क। आपके घर में भी सिल्क के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सिल्क, जो सिल्क की जो खेती होती है, देखिए इनकी एग्रीकल्चर किया जाता है, जो है सिल्क क्या एग्रीकल्चर की जाती है, सिल्क की खेती की जाती है, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, जो सिल्क की खेती करते हैं उसे कहते हैं सेरीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल मौत होती है, फीमेल जो सिल्क मौत होती है वो मौत मीन्स जो आपने देखे होंगे जैसे ग्रॉस हॉपर होता है, बटरफ्लाई होते हैं, उनके पंख होते हैं ना, उसी को बोलते हैं मौत। देखिए ये फीमेल मौत है, ये मेल मौत है, ठीक है, ये सिल्क के हैं। ठीक है, ये फीमेल जैसे जैसे इनके पर जैसे बटरफ्लाई होती है ना उसको बोलते हैं मौत। तो ये इनके पंख होते हैं, तो ये जिसके पंख नहीं होते, जो छोटा कीड़ा रेंगने वाला कीड़ा होता है उसे हम कहते हैं, ये देखिए ये सिल्क वर्म है, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कैटरपिलर। ठीक है, तो जो सिल्क की खेती होती है वो सिल्क वर्म से होती है इनका, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल सिल्क होती है वो अंडे देती है मलबरी ट्री के ऊपर, जो मलबरी का पेड़ होता है उसके ऊपर वो अंडे देती है। देन फिर वो अंडों को फार्मर्स को दिया जाता है, जो फार्मर्स होते हैं फिर वो उन अंडों को, देखिए जो अंडे देती हैं, अंडे में से क्या निकलता है, कैटरपिलर, पैट कैटरपिलर मीन्स रेंगने वाला कीड़ा, या उसे हम सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं। देखिए ये है सिल्क वॉर्म, इन्होंने एग दिया तो इसे हम कहेंगे सिल्क वॉर्म। ये फिर वो क्या बनाते हैं, कुकून बनाते हैं। ठीक है, जैसे मूंगफली का होता है, मूंगफली होती है ना, वैसे ही होते कुकून होता है, इसके अंदर सिल्क का कीड़ा होता है। देन फिर अंडे देने की, जब वो मलबरी पेड़ के ऊपर अंडे देती है फीमेल सिल्क, देन फिर वो फार्मर्स को दिया जाता है। जो जो फार्मर्स होते हैं, देखिए है ना, फीमेल सिल्क ने जो है वो बहुत सारे अंडे देती हैं। देन फिर जो अंडों को क्या किया, केयरफुली स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स। जो सिल्क की खेती करते हैं उनको वो अंडे दे दिए जाते हैं, फिर वो उन अंडों को ध्यान से रखते हैं, वो हैच करते हैं, मीन्स उनमें से कैटरपिलर निकलते हैं या सिल्क वॉर्म निकलते हैं, फिर वो उनको मलबरी पेड़ के पत्ते के सहारे रखते हैं, क्योंकि वो मलबरी के पत्ते खाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो जो है सिल्क वॉर्म जो होते हैं, 30 डेज के बाद वो मलबरी के पत्ते खाना बंद कर देते हैं, तो वो अपने आप को एक कुकून के अंदर बंद कर लेते हैं। तो अपने राउंड नेक के से वो राउंड शेप में अपने आगे पीछे जो सिल्क कीड़े होते हैं वो एक नेट सा बनाते हैं, ठीक है, एक नेट सा बनाते हैं, तो अपने आप को वो उसके अंदर बिल्कुल बंद कर लेते हैं, तो वो बन जाता है कुकून बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो डेड हो जाते हैं। तो फिर जो फार्मर्स होते हैं तो वो उन कुकून्स को खोल के, जो अंदर से उन कुकून्स को पानी में बॉयल करते हैं, जो जब पानी में वो उनको पानी में बॉयल करते हैं, पानी में बॉयल करने से क्या होता है, एक थ्रेड जैसा निकलता है, तो वो बन जाता है सिल्क का कपड़ा, सिल्क का धागा। तो उस धागे को फिर वो वीविंग करते हैं, बुनते हैं लकड़ी के ऊपर, तो वो सिल्क का
कपड़ा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सिल्क का धागा बनता है। तो हमने आज पढ़ा कि किस तरह से शीप से वूल हम फाइबर लेते हैं, हेयर से हमें फाइबर बनता है, फाइबर से फिर क्लोथ बनता है, उसी तरह से सिल्क वॉर्म है, किस तरह से सिल्क की खेती की जाती है और सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, किस तरह से धागे से कपड़ा बनाया जाता है। तो इस चैप्टर कम्प्लीट हो गया आपका, तो मैं कल आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।